अतीक अहमद के एक करीबी के मकान पर बुलडोजर चल रहा है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण सफदर के मकान को गिरा रहा है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण का कहना है कि मकान का नक्शा पास नहीं था। सफदर को कई बार नोटिस भेजा गया, जवाब नहीं मिलने के बाद कार्रवाई की जा रही है। वहीं सफदर ने कहा कि मेरे मकान का नक्शा पास है। ये मकान करेली में 60 फीट रोड पर है। प्रशासन मकान को गैर कानूनी तरीके से गिरा रहा है। मामला क्या है, क्या जानकारी मिली आपको? कुछ नहीं, अभी 11:30 बजे बताया गया, दो पुलिस आई, बताई कि मकान टूटेगा, खाली कर दीजिए। आपने पूछ नहीं क्या वजह क्या है? वजह कुछ नहीं बताने को, बस खाली कर दीजिए। बस सफदर अली का मकान मकान नहीं है, सफदर अली का नहीं है। किसका मकान? हमारे बेटों का है, हमारा नहीं। आपका नहीं? नहीं, गलत नोटिस दी गई है, हमारे नाम नहीं है। अभी अभी क्या लगता है आपको कि आप जो कार्रवाई है वो रोकना पड़ेगा या फिर? बिल्कुल रोकना पड़ेगा, इनको रोकना चाहिए। हमको पहले सूचित करें और फिर हमारी आकर के जांच करें, और कोई व्यक्ति जो कह रहा है उसको सामने करें कि भाई कौन सा हमने जुर्म किया है या किसी को क्या दिया है, बतावे हमको आकर के। नहीं, आप पर आरोप ये लगाया जा रहा है कि आपने जो है अतीक अहमद के जो गुर्गे थे जिन्होंने हत्या की थी उनको जो है कभी नहीं, मैं शकल तक नहीं जानता हूँ, और तो दूर छोड़ दिया। मैं इस मोहल्ले में रह के इन्हीं लोगों के घर कभी नहीं जाता हूँ। मैं इस मोहल्ले में रह के कभी इन लोगों के घर नहीं जाता हूँ। किस नाम दुकान है, कहाँ पर दुकान है आपकी? जानसेंगन चौराहे। किस नाम दुकान है? SSA गन हाउस। इस कार्रवाई के समय वहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। सफदर की जानसनगंज में असलहे की दुकान है। आरोप है कि सफदर अतीक को असलहा सप्लाई करता था। अतीक का लाइसेंसी असलहा भी सफदर के यहाँ रखवाया गया था। पहले आकर के सूचना हमको देनी चाहिए थी, आप इस तरह जांच करते कि हमारा किसी लेवल पे अगर हाथ होता तो वो बताना चाहिए।